शहर में बड़े उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। शहर के हिलटॉप स्थित एकता गणेश उत्सव की ओर से वैक्सीन की प्रतिकृति में गणपति बाप्पा विराजमान किए गए हैं। नागपुर शहर में गणेश उत्सव बड़े ही सादगी से मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते राज्य सरकार और शहर पुलिस विभाग की ओर से दी गई नियमावली के चलते शहर के सार्वजनिक मंडलों को ऑनलाइन दर्शन करने को कहा गया है। इतनी नियमावली के बावजूद शहर के मंडलों की ओर से लोगों में जन जागृति हो, इस उद्देश्य से विविध प्रतिकृति बनाई गई है। शहर के हिलटॉप स्थित एकता गणेश उत्सव मंडल की ओर से लोगों में वैक्सीन की जन जागृति हो, इस उद्देश्य से वैक्सीन के फायदे बताने के लिए वैक्सीन की प्रतिकृति में ही बाप्पा को विराजमान किया गया है। साथ ही कोरोना वॉरियर्स को भी सलाम किया गया है। इसके साथ ही रेशम बाग स्थित नागपुर का राजा की ओर से भी इस साल बड़ी ही सादगी गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। नागपुर राजा को देखने के लिए सभी नागपुरवासी गणेश उत्सव की राह देखते हैं, मगर कोरोना नियमावली के चलते गणेश भक्तों को बाप्पा के दर्शन ऑनलाइन ही हो पाएंगे। मंडल की ओर से इसके चलते लोगों में जन जागृति भी की जाएगी। यह गणेश जी का जो उत्सव है वो बहुत महत्वपूर्ण है नागपुर का, और एक बहुत शास्त्रीय आध्यात्मिक ढंग से यहाँ पूजा होती है। रोज खूब कार्यक्रम अलग से नहीं होते, गणेश जी की 10 दिन लगातार पूजा होना, सुबह शाम पूजा होना, और पूजा होने के बाद सारे नागपुर के जितने लोग यहाँ उपस्थित होंगे उनको उसका प्रसाद भोजन के रूप में देना, यह कल्पना मैंने और कहीं नहीं देखी थी। केवल यहाँ देख रहा हूँ, इसलिए मुझे हर साल इच्छा होती है कि ये गणेश जी का दर्शन लूँ और खुद को कृतार्थ समझूँ। ऐसे एक सुंदर जगह मुझे हर साल आने को मिलता है। यह तो हमें दीपक जायसवाल जी जो हैं इनकी तो यह मैं कृपा ही कहूँगा कि मुझे यह एक संधि दे देते हैं। नमस्कार। श्री गणपति उत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट में अध्यक्ष दीपक जायसवाल सभी को बधाई देता हूँ गणपति उत्सव की। साथ ही ये हमारा सिल्वर जुबली वर्ष है। हमने कभी सोचा नहीं था कि 25वें साल में हम लोगों को इतनी कंडीशन के साथ गणेश जी बैठाना पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात कि हमारी जो मूर्ति थी भव्य रूप की मूर्ति बैठती थी, पर इस साल कोविड के चक्कर में और जो सरकार के तरफ के आदेश है वो हिसाब से हमने 4 फीट की मूर्ति बैठाई है। अब मूर्ति वैसी की वैसी ही है, सेम टू सेम, सिर्फ साइज छोटी है। और मूर्ति देखेंगे तो आपने पहले वाला भी फ़ोटो देखेंगे और आज वाला फ़ोटो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सवाल रहा हमारा गणपति नौस्का है, हमारी मनोकामना पूर्ण पूरी करते हैं, हम चाहते हैं कि सभी की मनोकामना पूर्ण करें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN News नागपुर।